बड़वा जनपद के वन ग्राम मोयदा को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वन ग्राम के लोगों को राजस्व ग्राम का दर्जा न मिलने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार रजिस्टर की नकल, जाति, आय, अधिवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकास कार्यों से संबंधित समस्त योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। लंबे समय से मांग के चलते जनपद के 6 गांव राजस्व गांव घोषित कर दिए, लेकिन मोयदा का इंतजार अब भी बरकरार है। खरगांव से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बड़वा से आए हुए हैं, वन ग्राम राज्य का मामला है ये, और पिछले कई सालों से ये लोग वहाँ पर खेती कर रहे हैं। कम से कम 100 साल हो गए हैं इनके पीढ़ी पीरान खेती करते हुए आ रहे हैं, और ये ज़मीनें राजस्व विभाग की है, और कुछ गांव जो अभी वन ग्राम द्वारा राजस्व में परिवर्तन कर दिए गए, बाकी 2 गांव जो थे हमारे मोयदा गांव को छोड़ दिया गया है। तो क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं हम शासन से कि ये गांव को भी शामिल किया जाए, राजस्व में शामिल किया जाए, कि इतने वर्षों से कर रहे हैं ये खेती, तो इनको कुछ सुविधाएँ मिलने लग जाएगी वहाँ पर गाँव में। राजस्व राजेश राठौड़ क्या है, ये जमीन हमें मतलब नामांतर हो रही, पूर्व राजस्व की जमीन है, वन ग्राम मोयदा की जमीन है, बाप दादा से खेती करते आ रहे हैं, ना कुछ सरकार द्वारा हमारे को ना कुछ लाभ मिल रहा है, ना कुछ खेती खर्चा, ना कुछ समिति से कोई इसका मतलब कुछ भी नहीं मिल पा रहा शासन द्वारा। हमारे को नामांतर चाहिए, और ये जैसे कि 9 गाँव बड़वा तहसील में थे, तो इसमें से कुछ 7 गाँव कर दिए, और 2 गाँव हमारा वन ग्राम मोयदा छोड़ दिया। पूर्व राजस्व की जमीन है, ये हमारे बाप दादा की जमीन है, राजस्व वन ग्राम की जमीन है, तो इससे क्यों नहीं लिया? क्या मांग कर रही आप? अब हम मांग ये कर रहे हैं कि इसे भी शामिल राजस्व में किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।